हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स जीके क्विज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जीके क्वेश्चन और सभी के आपको आंसर देने हैं विद इन 5 सेकंड में कमेंट के माध्यम से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी है कबड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हॉकी को माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेसबॉल से, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी है टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट गेम से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 7 होती है वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है टेनिस, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुल के नाम से, ऑप्शन नंबर बी है रिंग के नाम से, ऑप्शन नंबर सी है कोर्ट्स के नाम से, ऑप्शन नंबर डी है टैली के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिंग के नाम से जाना जाता है मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो कराटे और ताइक्वांडो के खेल जिस परिसर में होते हैं उस खेल परिसर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है रिंग, ऑप्शन नंबर सी है मैट, ऑप्शन नंबर डी है कॉर्नर। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, मैट जो होता है खेल परिसर उसमें खेले जाते हैं जूडो कराटे और ताइक्वांडो के खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल के खेल परिसर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फील्ड, ऑप्शन नंबर बी है रिंक, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है डायमंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, फील्ड कहा जाता है बास्केटबॉल के खेल परिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी है वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज से। तो
इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतरंज जो गेम है उससे संबंधित है गैम्बिट नामक शब्द। स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए है ध्यानचंद ने, ऑप्शन नंबर बी है केडी जाधव ने, ऑप्शन नंबर सी है हरिश्चंद्र विजेदार ने, ऑप्शन नंबर डी है मिल्खा सिंह ने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, केडी जाधव ने जीता है पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक स्वतंत्र भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है पोलो से, ऑप्शन नंबर बी है बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिकेट का जो गेम है उससे संबंधित है फाइन लेग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 13 पदक जीते थे 2019 के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है केन विलियमसन, ऑप्शन नंबर डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 100 मैच जीते हैं आईपीएल के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग्सबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर सी है टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बॉक्सिंग का जो गेम है उससे संबंधित है किंग्सबेरी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1895 में, ऑप्शन नंबर बी है 1898 में, ऑप्शन नंबर सी है 1896 में, ऑप्शन नंबर डी है 1892 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 1896 में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कब से आयोजित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 1930 से, ऑप्शन नंबर बी है 1928 से, ऑप्शन नंबर सी है 1932 से, ऑप्शन नंबर डी है 1942 से। उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 से स्टार्ट हुए थे राष्ट्रमंडल जो खेल, प्रथम बार जो स्टार्ट हुए थे वो 1930 से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कहां आयोजित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड कोस्ट में, ऑप्शन नंबर सी है मेलबर्न में, ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो में। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, गोल्ड कोस्ट में हुए थे 2018 के राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है मार्च 1952 में, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1953 में, ऑप्शन नंबर सी है मार्च 1951 में, ऑप्शन नंबर डी है मार्च 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, मार्च 1951 में हुए थे पहले एशियाई खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है
इचियांग में, ऑप्शन नंबर सी है जकार्ता में, ऑप्शन नंबर डी है इस्लामाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जकार्ता के अंदर हुए थे एशियाई खेलों का आयोजन। पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है तो ऑप्शन नंबर ए है अनुरीत सिंह को, ऑप्शन नंबर बी है मोर्ने माइकल को, ऑप्शन नंबर सी है किरोन पोलार्ड को, ऑप्शन नंबर डी है मनन बोरा को। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, किरोन पोलार्ड को मिला है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा नवाजा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है कपिल देव को, ऑप्शन नंबर बी है राहुल द्रविड़ को, ऑप्शन नंबर सी है सौरभ गांगुली को, ऑप्शन नंबर डी है सुनील गावस्कर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कपिल देव को नवाजा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइल मिल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की, तो ऑप्शन नंबर ए है 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी है 2 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी है 31 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल को। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल को घोषणा की थी काइल मिल ने क्रिकेट से संन्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा किस देश में खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाता है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक स्कोरिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिस गेल, ऑप्शन नंबर बी है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी है रोहित शर्मा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिस गेल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोहरे शतक का, सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस टीम ने प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई गरुड़, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा हैमर्स, ऑप्शन नंबर सी है यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब रॉयल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, मुंबई गरुड़ ने जीता है प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है फर्नांडो अलांसो, ऑप्शन नंबर सी है किमी रेकनोने, ऑप्शन नंबर डी है निकोलस अनेलका। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निकोलस अनेलका है फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी है हॉकी से, ऑप्शन नंबर डी है चेस से। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेस का जो गेम है उससे संबंधित है एस और विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी है टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी है हेडबॉल से, ऑप्शन नंबर डी है वॉलीबॉल से। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, लॉन टेनिस से संबंधित है वेली स्मैश और सर्विस शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए है चैलेंज, ऑप्शन नंबर बी है खेलने की ललक, ऑप्शन नंबर सी है अखंडता, ऑप्शन नंबर डी है निरंतरता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, निरंतरता है ओलंपिक जो चिन्ह है उसका अर्थ। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक ली? ए ऑप्शन है कपिल देव, ऑप्शन बी है वी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी है हरभजन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है जशु पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, हरभजन सिंह है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के अंदर हैट्रिक ली है, पहले भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारी ट्रॉफी 2015 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात है जिसने सबसे पहले 2015 के अंदर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर बी है भारत ने, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड ने। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिए हैं अपनी पूरी क्रिकेट टीम के 1000 शतक पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं? ए ऑप्शन है रिचर्ड केटल बोरे, ऑप्शन बी है कुमार धर्मसेना, ऑप्शन नंबर सी है अलीम दार, ऑप्शन नंबर डी है इयान गोल्ड। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, रिचर्ड केटल बोरे को चुना गया है आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खिलाड़ी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2015 के लिए चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एलिस्टर कुक, ऑप्शन नंबर बी है स्टीव कुक स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी है ए बी डिविलियर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, ए बी डिविलियर्स को चुना गया है ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2015 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस कीवी बल्लेबाज ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोरी एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर बी है लुक रोंची ने, ऑप्शन नंबर सी है केन विलियमसन ने, ऑप्शन नंबर डी है ब्रेंडन मैकुलन ने। उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेड मैकुलम ने संन्यास की घोषणा कर दी है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खिलाड़ी ओमान क्रिकेट टीम में गेंदबाजी कोच चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद हफीज, ऑप्शन नंबर बी है वसीम अकरम, ऑप्शन नंबर सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी है सुनील जोशी। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, सुनील जोशी को चुना गया है ओमान क्रिकेट टीम में गेंदबाजी कोच के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गेंदबाज सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? तो ए ऑप्शन है अमित मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर डी है उमेश यादव। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रविचंद्र अश्विन है जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट लिए हैं भारतीय गेंदबाजी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में 4 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र सहवाग ने, ऑप्शन नंबर बी है शेन वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर सी है यूसुफ खान ने, ऑप्शन नंबर डी है मिसबा उलग ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, यूसुफ खान ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता आईसीसी द्वारा रद्द कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट संघ की, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की, ऑप्शन नंबर सी है बीसीसीआई की, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिकी क्रिकेट संघ की सदस्यता रद्द कर दी है आईसीसी ने। थर्ड आई शब्दावली संबंधित है? तो ए ऑप्शन है तीरंदाजी से, बी ऑप्शन है हॉकी से, सी ऑप्शन है क्रिकेट से, डी ऑप्शन है बिलियर्ड से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिकेट गेम से संबंधित है थर्ड आई शब्द, जो कि एक शब्दावली है खेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन है माई साइड, बी ऑप्शन है गोल्डन गोल, सी ऑप्शन है गोल, डी ऑप्शन है गोल्डन हैट्रिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, गोल आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की, जो कि हॉकी के जादूगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है रोलैंड पेरी, बी ऑप्शन है टोनी ग्रेग, सी ऑप्शन है डॉन ब्रेडमैन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोलैंड पेरी है ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ जो गेम है उससे संबंधित है जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थान फीडे किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है शतरंज, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, शतरंज गेम से संबंधित है फीडे नामक अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर ए है टाइगर वुड्स, ऑप्शन नंबर बी है माइकल कैम्बलेल, ऑप्शन नंबर सी है टॉम वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी है ज्योति रंधावा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, टाइगर वुड्स है हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है कपिल देव, ऑप्शन बी है विवियन रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है संदीप पाटिल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कपिल देव है पुस्तक जिसका नाम है माई स्टाइल, जो कि क्रिकेट की फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए है नायडू पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है सीएट पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है आईसीसी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी है विजडन पुरस्कार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी जो पुरस्कार है वो है क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी है लंदन में, ऑप्शन नंबर सी है एथेंस में, ऑप्शन नंबर डी है सेंट लुई में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, एथेंस के अंदर आयोजित किया गया था ग्रीष्मकालीन आधुनिक ओलंपिक खेल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है फ्री स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर सी है बैंक स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर डी है फ्रंट स्ट्रोक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, फ्रंट स्ट्रोक है वो कि जो कि एक तैराकी की शैली नहीं है। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए है 1967 को, ऑप्शन नंबर बी है 1948 को, ऑप्शन नंबर सी है 1998 को, ऑप्शन नंबर डी है 1951 को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 1951 में हुआ था एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित पांच छल्ले किसके प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पांच खेलों के, ऑप्शन नंबर बी है पांच महासागरों के, ऑप्शन नंबर सी है पांच महाद्वीपों के, ऑप्शन नंबर डी है पांच राष्ट्रों के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, पांच महाद्वीपों का प्रतीक है पांच छिल्ले जो कि ओलंपिक ध्वज में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ऑप्शन नंबर ए है 1953 में, ऑप्शन नंबर बी है 1933 में, ऑप्शन नंबर सी है 1944 में, ऑप्शन नंबर डी है 1966 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 1933 में हुई थी और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर बी है तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर सी है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर डी है घुड़सवारी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, मुक्केबाजी से संबंधित है नॉकआउट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है तैराकी से, ऑप्शन नंबर बी है पोलो से, ऑप्शन नंबर सी है स्नूकर से, ऑप्शन नंबर डी है मुक्केबाजी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तैराकी गेम से संबंधित है बटरफ्लाई शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल में हेड ट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, लॉन टेनिस ऐसा गेम है जिसके अंदर हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर बी है कबड्डी से, ऑप्शन नंबर सी है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है
बुल्स आई नामक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट गेम से संबंधित है गुगली नामक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी है तैराकी से, ऑप्शन नंबर सी है शतरंज से, ऑप्शन नंबर डी है टेनिस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तैराकी गेम से संबंधित है ब्रेस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिज से, ऑप्शन नंबर सी है बिलियर्ड से, ऑप्शन नंबर डी है पोलो से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, पोलो गेम से संबंधित है चुक्कर नामक शब्द। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है केन्या से, ऑप्शन बी है भारत से, ऑप्शन सी है फिजी से, ऑप्शन डी है मलेशिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिजी देश से संबंधित है विजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है ब्रिज से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से, ऑप्शन डी है कबड्डी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रिज जो गेम है उससे संबंधित है मेलेट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? ऑप्शन ए है सॉफ्ट बॉल का, ऑप्शन बी है बेसबॉल का, ऑप्शन सी है कार्फ बॉल का, ऑप्शन डी है हेड बॉल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेसबॉल का जो परिसर होता है उसे हम डायमंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी का खेल परिसर है? ऑप्शन ए है फील्ड, ऑप्शन बी है ट्रैक, ऑप्शन सी है पुल, ऑप्शन डी है एरिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुल कहते हैं तैराकी के खेल परिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? ए ऑप्शन है रूस के, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के, सी ऑप्शन है बेलारूस के, ऑप्शन डी है यूक्रेन के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी है गाटा कामस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है बेसबॉल, ऑप्शन डी है आइस हॉकी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, रग्बी फुटबॉल है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है? तो ए ऑप्शन है बुल फाइटिंग, ऑप्शन बी है लैक्रोस, ऑप्शन सी है जूडो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, बुल फाइटिंग है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा का, ऑप्शन नंबर सी है स्वीडन का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्नड़ा का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो ए ऑप्शन है 1988 को, बी ऑप्शन है 1987 को, सी ऑप्शन है 1896 को, ऑप्शन डी है 1919 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 1896 में हुए थे पहली बार ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1970 को, बी ऑप्शन है 1930 को, ऑप्शन सी है 1945 को, ऑप्शन डी है 1920 को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 1930 को हुआ था पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ए ऑप्शन है रूप सिंह की, बी ऑप्शन है सुरजीत सिंह की, सी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है गोल्फ से, बी ऑप्शन है लॉन टेनिस से, सी ऑप्शन है टेबल टेनिस से, डी ऑप्शन है अन्य। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है एस शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है फुटबॉल से, बी ऑप्शन है मुक्केबाजी से, सी ऑप्शन है पोलो से, डी ऑप्शन है क्रिकेट से। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिकेट से संबंधित है एशेज शब्द। आपने एशेज ट्रॉफी का नाम सुना होगा, तो वो ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषभ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है शतरंज से, बी ऑप्शन है फुटबॉल से, सी ऑप्शन है कबड्डी से, डी ऑप्शन है हॉकी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शतरंज गेम से संबंधित है विषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है फुटबॉल से, ऑप्शन बी है हॉकी से, ऑप्शन सी है क्रिकेट से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हॉकी जो गेम है उससे संबंधित है बेटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है पोलो से, ऑप्शन सी है बेसबॉल से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन गेम से संबंधित है उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है पोलो से, ऑप्शन सी है ब्रिज गेम से, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोलो गेम से संबंधित है एजरा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो ए ऑप्शन है ध्यानचंद ट्रॉफी, ऑप्शन बी है गोल्ड कप, ऑप्शन सी है बैटन कप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैटन कप है भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ए ऑप्शन है अल्बानिया का, बी ऑप्शन है स्पेन का, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान का, ऑप्शन डी है रूस का।
उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं अलेक्सी शिरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है, तो ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी है एथलेटिक्स से, ऑप्शन डी है क्रिकेट से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है, एथलेटिक्स से संबंधित है खिलाड़ी सोमा विश्वास। प्रथम बार किस वर्ष को 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, तो ए ऑप्शन है 1993 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1997 में, डी ऑप्शन है 2000 में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त 1995 को पहली बार बनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ, तो ए ऑप्शन है 1938 से, बी ऑप्शन है 1900 से, सी ऑप्शन है 1950 से, डी ऑप्शन है 1924 से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 1900 से स्टार्ट हुआ था टेस्ट क्रिकेट के। एक ओवर में कितनी बॉलें होती है, 6 गेंदें फेंकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ए ऑप्शन है 1955 में, बी ऑप्शन है 1961 में, सी ऑप्शन है 1965 में, डी ऑप्शन है 1971 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिलसे का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो ए ऑप्शन है कबड्डी से, बी ऑप्शन है पोलो से, सी ऑप्शन है हॉकी से, डी ऑप्शन है शतरंज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शतरंज गेम से जुड़ा हुआ है भाग्यश्री थिलसे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है, तो ए ऑप्शन है मिल्खा सिंह को, बी ऑप्शन है जोगिंदर सिंह को, सी ऑप्शन है अजीत पाल सिंह को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, मिल्खा सिंह को कहते हैं भारत का फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई, तो ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1900 में, और डी ऑप्शन है 1933 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 1900 में स्टार्ट हुआ था डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है, तो ए ऑप्शन है उरुग्वे, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है ब्राजील, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उरुग्वे है विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है थाईलैंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, भारत है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है हेडबॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन है पटियाला में, बी ऑप्शन है
कोलकाता में, सी ऑप्शन है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन है अन्य। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, पटियाला के अंदर स्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है निशानेबाजी, सी ऑप्शन है क्रिकेट, डी ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है ओलंपिक खेलों में। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? तो ए ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है निशानेबाजी, सी ऑप्शन है टेनिस और डी ऑप्शन है सॉफ्टबॉल गेम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टेनिस का जो गेम है उससे संबंधित है विलियम्सन बहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है लोसाने में, बी ऑप्शन है बर्न में, सी ऑप्शन है जेनेवा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, लोसाने के अंदर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? तो ए ऑप्शन है IHF, बी ऑप्शन है ICC, सी ऑप्शन है FIDE, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICC हो जाएगा, मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, जो कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? तो ए ऑप्शन है IHF, बी ऑप्शन है ICC, सी ऑप्शन है FIDE, डी ऑप्शन है FIFA। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IHF हो जाएगा, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल की जो प्रतियोगिता होती है वो घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ए ऑप्शन है वी बंडलन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सी ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वी बंडलन है, जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है और ये टेनिस की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए ब्लेक वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो ए ऑप्शन है टेनिस के लिए, बी ऑप्शन है हॉकी के लिए, सी ऑप्शन है मुक्केबाजी के लिए, डी ऑप्शन है तैराकी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है ब्लेक वॉकर कप ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ए ऑप्शन है क्रिकेट से, बी ऑप्शन है टेनिस से, सी ऑप्शन है फुटबॉल से, डी ऑप्शन है पोलो से। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोलो गेम से संबंधित है राधा मोहन कप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रिच की माप होती है? ए ऑप्शन है 2 फीट, बी ऑप्शन है 5 फीट, सी ऑप्शन है 4 फीट, डी ऑप्शन है 6 फीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 फीट होती है पॉपिंग क्रिच की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आकार में गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 25। तो
तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 18 होल होते हैं पोलो के ग्राउंड, गोल्फ का जो मैदान होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ए ऑप्शन है 8 गज, 6 गज, बी ऑप्शन है 8 गज, सी ऑप्शन है 9 गज, डी ऑप्शन है 13 गज। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 8 गज के फासले से मारा जाता है पेनल्टी स्ट्रोक। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है लॉन टेनिस से, बी ऑप्शन है हॉकी से, सी ऑप्शन है बैडमिंटन से, डी ऑप्शन है टेबल टेनिस से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है लॉन टेनिस से, बी ऑप्शन है खो खो गेम से, बी सी ऑप्शन है बैडमिंटन से, डी ऑप्शन है टेबल टेनिस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हैंडबॉल से, बी ऑप्शन है गोल्फ से, सी ऑप्शन है क्रिकेट से, डी ऑप्शन है कबड्डी से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, गोल्फ का जो गेम है उससे संबंधित है आयरन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है क्रिकेट से, बी ऑप्शन है कबड्डी से, सी ऑप्शन है शतरंज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मेन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कार्फ बॉल से, बी ऑप्शन है टेनिस से, सी ऑप्शन है सॉफ्ट बॉल से, डी ऑप्शन है पोलो से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, टेनिस जो गेम है उससे संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल राणा का नाम निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है बैडमिंटन से, बी ऑप्शन है कबड्डी से, सी ऑप्शन है निशानेबाजी से, डी ऑप्शन है मुक्केबाजी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्न में से किस देश से है? ए ऑप्शन है रूस से, बी ऑप्शन है इटली से, सी ऑप्शन है स्पेन से, डी ऑप्शन है यूक्रेन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, स्पेन जो देश है उससे संबंधित है राफेल नडाल जो कि टेनिस के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाली गोखले का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ए ऑप्शन है शतरंज से, बी ऑप्शन है फुटबॉल से, सी ऑप्शन है पोलो से, डी ऑप्शन है टेनिस से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेनिस गेम से संबंधित है सियाली गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फॉर्मूला वन रेस से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है पंकज आडवाणी, बी ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, सी ऑप्शन है नारायण कार्तिकेय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नारायण कार्तिकेय है फॉर्मूला वन रेस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है गोल्फ से, बी ऑप्शन है मुक्केबाजी से, सी ऑप्शन है लॉन टेनिस से, डी ऑप्शन है कुबड़ पट्टी से।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ गेम से संबंधित है अर्जुन अटवाल। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ए ऑप्शन है पोलो, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है फुटबॉल, डी ऑप्शन है बेसबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो पोलो का जो खेल मैदान होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो ए ऑप्शन है 7 गज की दूरी से, बी ऑप्शन है 8 गज की दूरी से, सी ऑप्शन है 8.5 गज की दूरी से, डी ऑप्शन है 7.5 गज की दूरी से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 गज की दूरी से मारा जाता है पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो के मैदान का आकार होता है? ए ऑप्शन है 120 × 225 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 200 मीटर × 150 मीटर, सी ऑप्शन है 270 मीटर × 180 मीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 270 मीटर × 180 मीटर होता है पोलो के खेल के मैदान का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रोला गेरो का संबंध किस खेल से है? तो ए ऑप्शन है फुटबॉल से, बी ऑप्शन है बैडमिंटन से, सी ऑप्शन है लॉन टेनिस से, डी ऑप्शन है हैंडबॉल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है रोला गेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 48, डी ऑप्शन है 64। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो नंबर ऑफ घर होते हैं वो 64 होते हैं। शतरंज के गेम की जो बिसात होती है, जो कि एक स्क्वायर टाइप की होती है, उसमें घरों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? लेन बोले तो ये स्विमिंग पूल है, उसमें ये लेन होती है, तो ये कितनी होती है, उनकी संख्या आपको बतानी है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ लेन कितनी होती है? 8 होती है, जो स्विमिंग पूल होता है ओलंपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है ईडन गार्डन, बी ऑप्शन है लॉर्ड्स, सी ऑप्शन है ओवल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड्स जो क्रिकेट ग्राउंड है वो जाना जाता है क्रिकेट के मक्का के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो ए ऑप्शन है केंटकी, बी ऑप्शन है व्हाइट सिटी, सी ऑप्शन है मेडिसन स्क्वायर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेडिसन स्क्वायर है मुक्केबाजी का प्रसिद्ध स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है भुवनेश्वर में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है कटक में, डी ऑप्शन है पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कटक के अंदर स्थित है बाराबती स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है चेन्नई में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है नागपुर में, डी ऑप्शन है कोलकाता में।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कानपुर के अंदर स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता के अंदर स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है नागपुर में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन है कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता के अंदर स्थित है साल्ट लेक स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है पुणे में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली के अंदर स्थित है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? तो ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है बड़ोदरा में, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयपुर के अंदर स्थित है सवाई मानसिंह स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है टेनिस से, बी ऑप्शन है फुटबॉल से, सी ऑप्शन है हॉकी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है कोपा कप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हॉकी से, बी ऑप्शन है फुटबॉल से, सी ऑप्शन है क्रिकेट से, डी ऑप्शन है बैडमिंटन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, बैडमिंटन से संबंधित है सुधीर रमन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो ए ऑप्शन है डूरट कप, बी ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, सी ऑप्शन है डेविस कप और डी ऑप्शन है सुब्रतो कप। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डूरट कप है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हॉकी से, बी ऑप्शन है फुटबॉल से, सी ऑप्शन है लॉन टेनिस से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। ईरानी कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ए ऑप्शन है हॉकी से, बी ऑप्शन है पोलो से, सी ऑप्शन है क्रिकेट से, डी ऑप्शन है फुटबॉल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो ए ऑप्शन है एथलेटिक्स के लिए, बी ऑप्शन है लॉन टेनिस के लिए, सी ऑप्शन है बास्केटबॉल के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है बॉक्सिंग से, बी ऑप्शन है क्रिकेट से, सी ऑप्शन है तैराकी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बॉक्सिंग से संबंधित है अपर कट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो जो खेल होता है उसमें कितनी क्रॉस लेंस होती है, कितनी लाइनें होती है मतलब, तो ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 9। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो क्रॉस लाइन के जो नंबर है वो होती है हमारे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है आंसर देना है। ए ऑप्शन है विजय कुमार, बी ऑप्शन है समरेश जंग, सी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, तो ए ऑप्शन है पृथ्वीपाल सिंह, बी ऑप्शन है अशोक कुमार, सी ऑप्शन है जी एस रामचंद्र, डी ऑप्शन है बलवीर सिंह। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जी एस रामचंद्र है हॉकी के खिलाड़ी नहीं है और ये सभी हॉकी के खिलाड़ी है, यानी पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार और बलवीर सिंह ये तीनों हॉकी के खिलाड़ी है और जी एस रामचंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, तो ए ऑप्शन है योगेश्वर दत्त, बी ऑप्शन है सुशील कुमार, सी ऑप्शन है विजय कुमार और डी ऑप्शन है विजेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योगेश्वर दत्त है 2012 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ए ऑप्शन है जॉर्ज बुश, बी ऑप्शन है जेक्स रोगे, सी ऑप्शन है जॉफ हावर्थ, डी ऑप्शन है किम ह्यूज। उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जेक्स रोगे है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक्स में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते, तो ए ऑप्शन है अमेरिका ने, बी ऑप्शन है चीन ने, सी ऑप्शन है जापान ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका ने जीते थे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 30वें ओलंपिक जो कि लंदन 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ए ऑप्शन है बेसबॉल, बी ऑप्शन है आइस हॉकी, सी ऑप्शन है फुटबॉल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, तो ए ऑप्शन है डेविस कप, बी ऑप्शन है सुब्रतो कप, सी ऑप्शन है नेहरू कप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, डेविस कप है उसका संबंध है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो कप किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन है फुटबॉल से, बी ऑप्शन है क्रिकेट से, सी ऑप्शन है पोलो से, डी ऑप्शन है मुक्केबाजी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, फुटबॉल गेम से संबंधित है यूरो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन है 1 साल बाद, बी ऑप्शन है 3 साल बाद, सी ऑप्शन है 4 साल बाद, डी ऑप्शन है 2 साल बाद। तो
इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक 4 साल के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ए ऑप्शन है 1938 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1845 में, डी ऑप्शन है 1928 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1928 में जीता था भारत ने ओलंपिक खेल हॉकी में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 20.20 मीटर, बी ऑप्शन है 20.12 मीटर, सी ऑप्शन है 25 गज, डी ऑप्शन है 20.12 गज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? ए ऑप्शन है 33 इंच, बी ऑप्शन है 35 इंच, सी ऑप्शन है 38 इंच, डी ऑप्शन है 30 इंच। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 38 इंच हो सकती है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 20 इंची, बी ऑप्शन है 27 इंच, सी ऑप्शन है 25 इंच, डी ऑप्शन है 21 इंच। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 27 इंच हो सकती है भूमि से स्टंप की ऊंचाई, 27 इंची हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 5.54 मीटर, बी ऑप्शन है 7.51 मीटर, सी ऑप्शन है 7.32 मीटर, डी ऑप्शन है 4.57 मीटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 7.32 मीटर हो सकती है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ए ऑप्शन है 2.25 मीटर, बी ऑप्शन है 3.75 मीटर, सी ऑप्शन है 3.66 मीटर, डी ऑप्शन है 2.66 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 3.66 मीटर हो सकती है गोल पोस्ट की चौड़ाई हॉकी गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 1.55 मीटर, बी ऑप्शन है 1.60 मीटर, सी ऑप्शन है 1.66 मीटर, डी ऑप्शन है 1.59 मीटर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 1.59 मीटर होती है बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई। बॉम्बे बॉक्सर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो ए ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है विनोद कांबली, सी ऑप्शन है सौरभ गांगुली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है बॉम्बे बॉक्सर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ए ऑप्शन है सौरभ गांगुली, बी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन है सुनील गावस्कर, और डी ऑप्शन है विनोद कांबली।
उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। लिटिल मास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, तो ए ऑप्शन है मुरली कार्तिक, बी ऑप्शन है सुरेश रैना, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, डी ऑप्शन है हरभजन सिंह। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरभजन सिंह को जाना जाता है टर्मिनेटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल वाल्ट के बादशाह सरगई बुबका का संबंध किस देश से है, तो ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, यूक्रेन देश के रहने वाले हैं जो पोल वाल्ट जो गेम है उसके बादशाह सरगई बुबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो ए ऑप्शन है वेलोड्रम, बी ऑप्शन है रिंक, सी ऑप्शन है रेंज, डी ऑप्शन है कोर्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा, वेलोड्रम बोलते हैं जो साइकिलिंग का खेल परिसर होता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन है डायमंड, बी ऑप्शन है रिंग, सी ऑप्शन है रिंग, डी ऑप्शन है रेंज। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, रिंग कहा जाता है मुक्केबाजी के खेल परिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन है वेलोड्रम, बी ऑप्शन है एरिना, सी ऑप्शन है कोर्स, डी ऑप्शन है ग्रीन्स। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, एरिना कहा जाता है घुड़सवारी के खेल परिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी अविजय सिंह का संबंध किस देश से है, तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड से, सी ऑप्शन है यूक्रेन से, डी ऑप्शन है फिजी से। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, फिजी देश से संबंधित है गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन है रिंक, बी ऑप्शन है रेंज, सी ऑप्शन है कोर्स, डी ऑप्शन है ग्रीन्स। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, रिंक। रिंक और रिंग में फर्क है दोस्तों, रिंक तो होती है बॉक्सिंग के लिए और रिंक होती है स्केटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है, तो ए ऑप्शन है बेसबॉल, बी ऑप्शन है आइस हॉकी, सी ऑप्शन है गोल्फ, डी ऑप्शन है सॉफ्टबॉल। तो उसका करेक्ट आंसर है गोल्फ का जो गेम होता है उसके जो खेल परिसर है उसको हम बोलते हैं कोर्स दोस्तों। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने होते हैं, 4 होते हैं पोलो गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 6। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 होती है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8,
सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 होती है वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 5 होती है बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी हो सकते हैं? तो ए ऑप्शन है बेसबॉल, बी ऑप्शन है सॉफ्टबॉल, सी ऑप्शन है कॉर्फबॉल, डी ऑप्शन है हैंडबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, कॉर्फबॉल के अंदर हो सकते हैं महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्यतः समयावधि कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 45 मिनट, बी ऑप्शन है 60 मिनट, सी ऑप्शन है 80 मिनट, डी ऑप्शन है 90 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 90 मिनट हो सकती है सामान्यतः अवधि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है रियान बोथा को, बी ऑप्शन है सरगेई बुबका को, सी ऑप्शन है एम्मा जॉर्ज को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरगेई बुबका को कहा जा सकता है पोल वॉल्ट का बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है विनोद कांबली को, बी ऑप्शन है शेन वॉन को, सी ऑप्शन है सचिन को, डी ऑप्शन है सौरभ गांगुली को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेन वॉन को जाना जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों में हॉलीवुड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ग्लेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है स्टीव बकनर, बी ऑप्शन है डिक्की बर्ड, सी ऑप्शन है डेविड शेफर्ड, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, डिक्की बर्ड को जाना जाता है ग्रेट डिलियर उपनाम से एम्पायर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ए ऑप्शन है आइस हॉकी, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है बेसबॉल, डी ऑप्शन है हैंडबॉल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ए ऑप्शन है कबड्डी, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है शतरंज, डी ऑप्शन है हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ए ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है कबड्डी, सी ऑप्शन है शतरंज, डी ऑप्शन है जूडो कराटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मणिपुर में, सी ऑप्शन है असम में, और डी ऑप्शन है कर्नाटक में। तो
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मणिपुर के अंदर हुआ था पोलो खेल का सबसे पहले प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ए ऑप्शन है तुर्क ने, बी ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, सी ऑप्शन है यूनानियों ने, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तुर्क जो देश के व्यक्ति थे उन्होंने स्टार्ट किया था भारत में पोलो खेल का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है रूस को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, भारत को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को कहा जाता है शतरंज खेल का जन्मदाता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है इंग्लैंड को, सी ऑप्शन है चीन को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड में, डी ऑप्शन है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरुआत हुई है सुपर मैक्स क्रिकेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 7 होती है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? ए ऑप्शन है टेनिस, बी ऑप्शन है तैराकी, सी ऑप्शन है बैडमिंटन, डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, टेनिस से संबंधित है यूकी भावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है सिनेमा के लिए, बी ऑप्शन है साहित्य में, सी ऑप्शन है खेलकूद में, डी ऑप्शन है विज्ञान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो उत्कृष्ट पुरस्कार है उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है फुटबॉल, डी ऑप्शन है गोल्फ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है क्रिकेट से, बी ऑप्शन है विलियर्ड से, सी ऑप्शन है शतरंज से, डी ऑप्शन है तैराकी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है माइकल फेलप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? ए ऑप्शन है 1989 में, बी ऑप्शन है 1899 में, सी ऑप्शन है 1961 में, डी ऑप्शन है
1997 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1961 के अंदर पुरस्कार स्टार्ट हुए थे, अर्जुन पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ए ऑप्शन है फुटबॉल में, बी ऑप्शन है मुक्केबाजी में, सी ऑप्शन है क्रिकेट में, डी ऑप्शन है शतरंज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है सर डॉन ब्रैडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया है? तो ए ऑप्शन है विजय कुमार ने, बी ऑप्शन है राजवर्धन सिंह राठौड़ ने, सी ऑप्शन है मानवजीत सिंह सिंधु ने, डी ऑप्शन है समरेश जंग ने। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब विजय कुमार ने जीता है लंदन ओलंपिक के निशानेबाजी में, जो 2012 का जो रजत पदक है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है तैराकी से, बी ऑप्शन है कबड्डी से, सी ऑप्शन है फुटबॉल से, डी ऑप्शन है मुक्केबाजी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी से संबंधित है। स्पर्श रेखा, जब दो टीमें आपस में खेलती है तो एक लाइन होती है और इस लाइन को बोलते हैं स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ए ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन है राजवर्धन सिंह राठौड़, सी ऑप्शन है मेसक मीनरुई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2012 में पुरुष एकल के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है मुक्केबाजी से, बी ऑप्शन है बास्केटबॉल से, सी ऑप्शन है विलियर्ड्स से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकंड। दोस्तों तो दिया गया शब्द विलियर्ड्स खेल से संबंधित है, यानी कौन सा शब्द संबंधित है? तो ए ऑप्शन है क्यू, ऑप्शन नंबर बी है वॉल्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है इन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी शब्द विलियर्ड्स खेल से संबंधित है, क्यू वॉल्टिंग और इन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर डी है बेसबॉल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल गेम से संबंधित है कॉर्नर किक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरेट कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डूरेट कप और रॉबर्ट्स कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ए ऑप्शन है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी है बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिज गेम से। तो
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बास्केटबॉल गेम से संबंधित है, फेडरेशन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटन कप, ऑप्शन नंबर बी है रंगस्वामी कप, ऑप्शन नंबर सी है नारंग कप, ऑप्शन नंबर डी है आगा खा कप। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, आगा खा कप है वो जो कप है वो की जो ट्रॉफी है वो हॉकी गेम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी है टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, हॉकी गेम से संबंधित है शिवाजी स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट से। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्रिकेट गेम से संबंधित है सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में निम्न में से किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है माप लेने वाला टेप और स्टॉप वॉच, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब पोस्ट का भी यूज किया जाता है, कोर्ड का भी यूज किया जाता है और मापन लेने के लिए स्टॉप वॉच का भी यूज किया जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये स्पोर्ट्स जीके क्विज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों